हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फिनिशिंग के साथ स्लीव्स जोड़ना बताऊंगी और इसमें मैं आपको कई सारे टिप्स भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आपकी स्लीव्स फिनिशिंग के साथ क्यों नहीं जुड़ पाती है और उसकी फिटिंग अच्छी क्यों नहीं आती है। ये मेरी दोनों स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स हैं। जोड़ने का तरीका दोनों स्लीव्स का एक जैसा ही होता है, हाफ स्लीव्स का भी और फुल स्लीव्स का भी। वैसे मैंने इनकी कटिंग की हुई है, लेकिन आपको मैं फिर भी पेपर के ऊपर इसकी कटिंग करके बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ, जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करें तो जैसे आगे का हिस्सा देखिए, जैसे इसमें आगे के हिस्से में गहराई होती है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ से हमारे दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये हिस्से हमारे स्लीव्स के आगे पीछे नहीं होने चाहिए, केवल जो हमारी ये गहराई होती है केवल यहाँ से होने चाहिए। नहीं तो इसमें क्या होता है, जब हम इसकी फिटिंग करते हैं तो ये हिस्से अगर हमारे इस तरह से आगे पीछे होते हैं, यहाँ से सपोज करिए ऐसे हैं, तो यहाँ से भी हमारे आगे पीछे हो जाएंगे और जब हम इसको अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारे बिल्कुल बराबर ये हिस्से नहीं आएंगे और इसकी फिटिंग भी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे आर्म होल भी होने चाहिए। ये हमारी आगे की आर्म होल की गहराई है और आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर हमारी स्लीव्स के और हमारी कुर्ती के ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होंगे तो ही हमारी स्लीव्स अच्छे से अटैच हो पाएगी और जोड़ने के बाद उसकी फिटिंग भी अच्छे से आएगी। और अब मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है और आप क्या गलती करते हैं जिससे आपके स्लीव्स की कटिंग सही नहीं हो पाती और वो जब आप अटैच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। जैसे ये हमारे आर्म होल है, तो इसकी जो हमारे आर्म होल की जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। तो जब भी मैं अपनी स्लीव्स की जो कटिंग करती हूँ और स्लीव्स के लिए जो मैं कपड़ा लेती हूँ तो डबल करके आर्म होल से करीब 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ। लेकिन कई बार अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो वो 1.5 इंच भी हमारा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो यहाँ से इसकी ये चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम 1.5 इंच भी ज़्यादा लेते हैं तो हमारी स्लीव्स छोटी पड़ जाती है। तो आपको एक जो मैं आइडिया बता रही हूँ, एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप स्लीव्स की चौड़ाई ले लें, कपड़े की चौड़ाई ऐसे आप डबल करके रख लें तो 1.5 इंच से आप उसको चौड़ाई में ज़्यादा ले लें। वैसे तो जैसे इसकी 6.5 इंच है तो इसकी इस हिसाब से अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो 8 इंच होनी चाहिए, लेकिन आप 8 इंच से भी ज़्यादा ले लें। और यहाँ पर देखिए, आप हमेशा अगर हाफ स्लीव्स हैं तो 3 इंच पर निशान लगाएं और अगर फुल स्लीव्स हैं तो आप इसको 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर निशान लगाकर आप इस तरह से, ये हमारा पेपर है तो इसको खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये फट सकता है, आपको कपड़ा इस तरह से खींच लेना है और खींच के आपको ऐसे निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये बिल्कुल आपके आर्म होल के बराबर इसकी कटिंग होगी और आपके आर्म होल छोटे नहीं पड़ेंगे। और आगे से जितनी भी आपके स्लीव्स की चौड़ाई है उसका हाफ आप निशान लगा लें, जैसे 10 है तो आप 5 इंच पर निशान लगा लें, 1.5 से 2 इंच आप कटिंग के लिए रख लें और फिर आप इस पर इस तरह से निशान लगा लें। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, मैं आगे के आर्म होल की कटिंग करके आपको बताऊंगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद सबसे पहले तो हम इसके बीच में कट लगा लेंगे, फिर हम अपनी स्लीव्स को ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम केवल यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे, या फिर आप इसको इस तरह से फोल्ड करके भी इसमें निशान लगा सकते हैं। बीच यहाँ से नीचे से इतना ही रहना चाहिए और यहाँ से 1/2 इंच या 1/4 इंच जितनी भी हमें इसमें गहराई देनी है इस तरह से हम इसमें गहराई देंगे। यहाँ से बिल्कुल दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारा आगे का हिस्सा है तो यहाँ से अगर ये हिस्सा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी यहाँ से कटिंग करके इसके बराबर कर लें। कम से कम हमारा वहाँ तक बराबर होना चाहिए दोनों हिस्से, जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। तो ये हिस्से आगे पीछे नहीं होंगे, यहाँ से भी बराबर रहेंगे, यहाँ से भी, और ये सिलाई हमारी बिल्कुल आमने सामने आएगी। ऐसे ये हमारे आर्म होल है, देखिए जैसे ये हमारा फिटिंग का निशान है तो यहाँ तक हमें बिल्कुल बराबर रखना है और केवल यहाँ से हमें ये ज़्यादा लेना है, ऊपर से भी बिल्कुल सेम रखना है,
इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब एक जो गलती आप लोग करते होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये स्लीव्स है और ये हमारा आर्म होल है, तो इसकी हम चौड़ाई पूरी नहीं लेते हैं, पूरी ना लेके हमारी चौड़ाई थोड़ी कम रह जाती है। और हम क्या करते हैं, इस गोलाई को पूरा करने के लिए हम इस तरह से इसको शेप दे देते हैं, इस तरह से। तो ये जो हमारी ये गोलाई है ये तो हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी स्लीव्स की कटिंग एकदम गलत हो जाती है। इस तरीके से हम ये जो लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा रख लेते हैं इसको पूरा करने के लिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारी ये ऊपर से ये कॉर्नर सा निकल जाता है, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हिस्सा ऊपर से उठा हुआ रहता है, और यहाँ से जब हम अपनी कुर्ती को या सूट में जिसमें भी स्लीव्स लगाते हैं पहनते हैं, तो यहाँ से इसमें खिंचाव आ जाता है, यहाँ से टाइट हो जाती है और ये हिस्सा ऊपर से उठा हुआ रहता है, और स्लीव्स की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो ये गलती आप ना करें, यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से इस शेप में इसको बिल्कुल ना काटें इसको, बल्कि इस तरह से गोलाई में हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से ये इसकी नोक नहीं निकलनी चाहिए इस तरीके से, और हमारी जो स्लीव्स का कपड़ा है इसकी चौड़ाई पूरी होनी चाहिए। तो कटिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको इसके जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फिटिंग करके जोड़ने का तरीका। पहले हम अपनी सूट की भी फिटिंग कर लेते हैं और स्लीव्स की फिटिंग भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को जोड़ते हैं। वैसे तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है, और इससे भी आप अपनी स्लीव्स जोड़ लें तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्लीव्स फिनिशिंग के साथ जुड़ जाएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। लेकिन मैं जो अपनी स्लीव्स जोड़ती हूँ वो हमेशा बिना फिटिंग के जोड़ती हूँ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मुझे अपना सूट लूज या टाइट करना पड़ जाए तो मैं केवल सिलाई लगा देती हूँ, मुझे यहाँ से अपनी स्लीव्स उधेड़नी नहीं पड़ती। और अगर हम फिटिंग करके अपनी स्लीव्स जोड़ते हैं तो मुझे पूरी ये स्लीव्स यहाँ से उधेड़नी पड़ती है, तब मैं उसको लूज या टाइट कर सकती हूँ। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिना फिटिंग के इसको जोड़ने का तरीका बताऊंगी, और आप इसको बहुत इजीली अच्छी तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो जब भी हम स्लीव्स जोड़ते हैं, स्लीव्स जोड़ने से पहले जो हमारे आगे के स्लीव्स के हिस्से होते हैं उनमें इस तरह से निशान लगा लें ताकि आगे का हिस्सा आगे ही आए। कई बार हमारे उल्टे सीधे ये हिस्से जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी हिस्से को हमें ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है और किसी भी हिस्से को हमें खींचना नहीं है, दोनों हिस्से हमें बिल्कुल नॉर्मल रखने हैं। यानी कि अगर हम किसी हिस्से को ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, और अगर लूज छोड़ देते हैं तो भी फिनिशिंग नहीं आती है और ना स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आती है। ये तभी होता है जब हम स्लीव्स की कटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। अगर स्लीव्स की कटिंग हम सही तरीके से करते हैं तो हमें किसी हिस्से को खींचने की या लूज छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती खोल लेते हैं, ये हमारी शोल्डर की सिलाई है। फिर हम अपनी स्लीव्स लेते हैं और स्लीव्स का जो हमारा बीच का कट है इस तरह से हम इसको रखते हैं, और ये भी ध्यान रखना है आगे का हिस्सा आगे ही आना चाहिए। ये हमारा आगे का हिस्सा है और ये हमारी कुर्ती में भी आगे का हिस्सा है। तो ये जो हमारा बीच का कट है और हमारी शोल्डर की सिलाई है, हम इसको इस तरह से मिलाते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप बीच में से सिलाई लगानी शुरू करें, बहुत अच्छा तरीका है ये। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करें, चाहे तो आप पहले पीछे के आर्म होल जोड़ लें और चाहे तो आगे के, यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करें और एक साइड से पहले आप अपनी स्लीव्स जोड़ लें, तो जो हमारा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कोई भी हिस्सा पड़ता है तो हमारा नीचे आ जाता है, तो हम बीच में से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। और स्लीव्स जोड़ने से पहले आपको आगे से अपनी स्लीव्स को मोड़ लेना है, और अगर कोई बॉर्डर या लेस वगैरह लगानी है तो वो पहले आपको वो तैयार कर लेनी है। तो हम बीच में से अपनी स्लीव्स लगानी शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमारी जो हम सिलाई लगाएंगे देखिए बिल्कुल इक्वल लगनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा अंदर को या कहीं से ज़्यादा बाहर को ये सिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर या बाहर को ये सिलाई हो जाती है तो भी हमारी स्लीव्स अच्छे से नहीं अटैच हो पाती, उसकी उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। ये बिल्कुल इक्वल इस तरह से आनी चाहिए, नॉर्मल रखिए और इसको आराम से सिलते जाइए।
अब दोबारा से फिर हम बीच में से इसको शुरू करेंगे और दूसरी साइड से जोड़ देंगे। फिर हम इसको बीच में रखते हैं और दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम तरीके से, किसी हिस्से को खींचना नहीं है और ऐसे ही अपनी स्लीव्स को जोड़ते जाना है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब हम अपने आगे के साइड की स्लीव्स जोड़ते हैं तो आगे की बाजू की जो लंबाई है वो हल्की फुल्की आपकी छोटी पड़ सकती है, वो उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारे जो आर्म होल होते हैं उनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हल्की फुल्की आप अगर छोटी पड़ जाती है तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो हमारी आराम से उसकी फिटिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत छोटी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स अटैच हुई है। ये हमारी आगे की और ये हमारी पीछे की स्लीव्स है। तो जब हम इसकी फिटिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आएगी और यहाँ से भी इसकी सिलाई देखिए एकदम बराबर है। ये हमारी इतनी सी कम पड़ रही है स्लीव्स, तो इससे भी अगर थोड़ी सी आपकी ज़्यादा कम पड़ जाए आगे की स्लीव्स तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारी फिटिंग में आ जाती है। और देखिए ये मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग के निशान लगा लिए हैं स्लीव्स पर, और ये हमारा यहाँ से सूट की फिटिंग का निशान है। इस पर हम इस तरह से बिल्कुल ऐसे सिलाई लगा देंगे फिटिंग के साथ, और देखिए यहाँ से बिल्कुल ये सिलाई हमारी बिल्कुल आमने सामने आएगी और यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर आएगी। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स एकदम फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स अटैच हुई है, देखिए यहाँ से भी इस तरह से ये। और उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।